हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटॉन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास वीडियोकॉन कंपनी का एक 14 इंच का टीवी लेके आया हूँ। इस टीवी का प्रॉब्लम देखूंगा, सॉल्यूशन करके भी बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूंगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँ आप लोगों को मिलते रहे। दोस्तों जब टीवी का प्रॉब्लम दिखा देता हूँ, दोस्तों जब मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद जो हमारा पावर इंडिकेटर जलना चाहिए वो हमारा पावर इंडिकेटर नहीं जल रहा है, और हमारा स्क्रीन पे भी कोई भी पिक्चर नहीं आ रहा है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम है, हमारा पूरी तरह से टीवी डेड होके आया है, और इस वाला प्रॉब्लम को देखेंगे कहाँ से हो रहा है। एक तो दोस्तों पावर सेक्शन से भी रिलेटेड हो सकता है, या हमारा आउटपुट सेक्शन से भी हो सकता है। इसीलिए क्या करेंगे, पहले टीवी को ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद ये रहा 14 इंच का ट्यूब, और इसका योक कॉयल, और ये रहा बेस बोर्ड, और ये रहा मेन पीसीबी। दोस्तों इसका जो पावर सेक्शन है, मैंने जब देख इसको ओपन किया तो मुझे पता चला इसका जो ओरिजिनल पावर सेक्शन था, इसका ओरिजिनल पावर सेक्शन ख़राब हो चुका था, और इसीलिए कोई टेक्नीसियन ने इसको पावर मॉड्यूल लगा के इसको पावर सेक्शन सही किया था। लेकिन कुछ दिन के बाद हमारा ये वाला पावर सेक्शन बैठ गया है। इसीलिए जो हमारा कस्टमर है वो हमारा टीवी लेके आया है, टीवी लेके इसको पावर सेक्शन को रिपेयर करेंगे, और देखेंगे हमारा पावर सेक्शन अलावा और क्या क्या ख़राब हो गया है। इसीलिए क्या करेंगे, ये वाला मॉड्यूल जो लगाया हुआ है, मॉड्यूल सेक्शन को मैंने ओपन कर दूँगा, और जो हमारा ओरिजिनल पावर सेक्शन है, ओरिजिनल पावर सेक्शन को रेडी करूँगा। और क्या होता है, हमारा जो वीडियोकॉन किट होता है, इसका जो फीडबैक सिस्टम होता है, वो फीडबैक सिस्टम पे हमारा जब पावर सेक्शन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होगा तो हमारा फीडबैक सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करेगा। इसीलिए ओरिजिनल पावर सेक्शन रेडी करना ज़रूरी होता है। इसीलिए क्या करेंगे, पावर मॉड्यूल के अलावा हमारा पावर सेक्शन को, जो ओरिजिनल पावर सेक्शन था उसको रेडी करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं मॉड्यूल को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों मैंने पावर मॉड्यूल को तो मैंने ओपन कर चुका हूँ, लेकिन दोस्तों ये जो हमारा पावर फिल्टरिंग कैपेसिटर होता है, ये पावर फिल्टरिंग कैपेसिटर हमारा वोल्टेज को स्टॉक करके रख लिया है। क्योंकि मैंने पावर दिया था, हमारा आउटपुट पावर नहीं रेडी हुआ, इसीलिए क्या हुआ, हमारा ये वाला पावर सेक्शन का कैपेसिटर चार्ज होकर रह गया है, इसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा। आप लोग एक काम कीजिए, एक 100 वाट लैंप लीजिए, और 100 वाट लैंप लेके इसको डिस्चार्ज कर लीजिए। देख सकते हैं इसको डिस्चार्ज कर लिया, और डिस्चार्ज करने के बाद ही ये वाला एस्टेयर को कनेक्ट करेंगे, और देखेंगे और कहां कहां पे प्रॉब्लम है। ये जो टेक्नीशियन ने, आगे वाले टेक्नीशियन जो इसको रिपेयर किया था, वो क्यों ये मॉड्यूल लगाया है, और ये पावर सेक्शन का क्यों नहीं रेडी कर पाया, इसीलिए इसको ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो लास्ट तक देखते रहिए तो पता चल जाएगा क्यों ये वाला प्रॉब्लम दे रहा था, इसीलिए पावर मॉड्यूल लगाया हुआ है। मैं पावर मॉड्यूल को ओपन करके क्या करूँगा, ये वाला एसटीआर को जो ओपन करके रखा है, ये वो एसटीआर को फिर से नया वाला एसटीआर कनेक्ट करूँगा। दोस्तों ये वाला एसटीआर का नंबर भी बता देता हूँ। दोस्तों ये वाला जो पावर सेक्शन पे हमारा एसटीआर लगता है, ये जो वीडियोकॉन का जो पावर सेक्शन होता है, इसका ये वाला एसटीआर कनेक्ट करूँगा, नया वाला एसटीआर कनेक्ट करूँगा। इसका नंबर देख सकते हैं, CQ07506RT, ये वाला एसटीआर था, लगाना ज़रूरी है, नहीं तो मैचिंग नहीं होगा। ये वाला एसटीआर को कनेक्ट कर दूंगा, और कनेक्ट करने के बाद देखते हैं हमारा प्रॉब्लम कहां से हो रहा था, इसीलिए ये पावर सेक्शन नहीं रेडी हुआ। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मैं जो ये वाला एसटीआर नहीं था, मैंने नया वाला एसटीआर लगा चुका हूँ, और लगाने के बाद इसको फिर से टीवी को पावर दूंगा। पावर देने के बाद देखेंगे हमारा जो पावर सेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम था, वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। इसीलिए क्या करेंगे, ये जो हमारा आउटपुट सेक्शन है, आउटपुट सेक्शन पे जो हमारा 110 वोल्ट का जो कनेक्टेड है, वो वाला फॉइल को मैंने ओपन कर दूंगा। ओपन करने के बाद क्या होता है, हमारा पावर सेक्शन अलग हो जाएगा और आउटपुट सेक्शन अलग हो जाएगा, और आउटपुट सेक्शन अलग होने के बाद जो सेक्शन पे होता है, मैं क्या करूँगा, 110 वोल्ट के जगह पे मैं क्या करूँगा, एक 100 वाट लैम्प लगा लूँगा, और 100 वाट लैम्प लगाने के बाद इस पर जो वोल्टेज बनेगा तो हमारा ये वाला लैम्प जल उठेगा। ठीक है, मैं ये वाला लैम्प को कनेक्ट कर लेता हूँ।
दोस्तों देख सकते हैं, मैं 100 वाट लैंप को कनेक्ट कर चुका हूं और ये वाला VHT सप्लाई को मैंने ओपन कर चुका हूं। फिर मैं टीवी को पावर दूंगा। पावर देने के बाद ही पता चलेगा हमारा जो पावर सेक्शन का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। टीवी को पावर दे देते हैं। पावर देने के बाद हमारा जो 100 वाट लैम्प लगाया था, देखिए कैसे फिकरिंग कर रहा है वोल्टेज और हमारा स्टैंड नहीं है, मतलब ब्लिंकिंग हो रहा है वोल्टेज। और हमारा जो पावर इंडिकेटर है, पावर इंडिकेटर देखिए कैसे ब्लिंकिंग हो रहा है। और हमारा जो पावर इंडिकेटर होता है वो स्टैंड होना चाहिए, नहीं तो हमारा पावर सेक्शन सही नहीं हुआ। और ये वाला जो 100 वाट लैम्प लगाया हूँ, ये 100 वाट लैम्प हमारा जलना चाहिए और हमारा पूरी तरह से जल के रहना चाहिए, नहीं तो हमारा पावर सेक्शन रेडी नहीं हुआ। इसीलिए क्या करेंगे, एक एक वोल्टेज को चेक कर लेंगे। जो वोल्टेज हमारा आ रहा था वो वाला जो हमारा लैम्प अप डाउन हो रहा है वोल्टेज, वो देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, मैंने जब इसको चेक किया तो ये वाला पॉइंट पे हमारा कितना वोल्टेज आ रहा है, कभी 32, कभी 0.8, कभी 20 हमारा वोल्टेज आ रहा है, जो हमारा ये लैम्प को जला रहा है। लेकिन ये वाला वोल्टेज हमारा स्टैंड होना चाहिए। क्यों स्टैंड नहीं है ये बता देता हूँ। दोस्तों आगे वाला जो टेक्नीशियन काम कर रहा था वो यही ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम के लिए ही ये वाला सेक्शन को रिपेयर नहीं कर पाया और एक मॉड्यूल बॉक्स को कनेक्ट कर दिया, और कुछ दिन के चलने के बाद हमारा पावर सेक्शन फिर से बैठ गया था। इसीलिए क्या करेंगे, इसका जो प्रॉब्लम दे रहा है, फिकरिंग हो रहा है, वोल्टेज ब्लिंकिंग हो रहा है, वो वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दोस्तों एसटीआर को रिपेयर करने से पहले कुछ चीज़ जानना ज़रूरी है। एक तो दोस्तों एसटीआर को ऑन करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। एक तो हमारा ये वाला कैपेसिटर पे जो वोल्टेज होता है, जो मेन फिल्टरिंग कैपेसिटर होता है, इस पे हमारा 300 वोल्ट होना चाहिए, नहीं तो हमारा एसटीआर नहीं ऑन होगा। दूसरा पॉइंट पे जो हमारा ये वाला देखिए, दो रेजिस्टेंस देके, एक डायोड देके, एक वोल्टेज दिया गया है जो हमारा इस पे आना चाहिए 12 से 14 वोल्ट, जो एसटीआर को स्टार्टिंग वोल्टेज देता है। और स्टार्टिंग वोल्टेज देने के बाद हमारा एसटीआर जब फिकरिंग करना ऑन, स्विचिंग करना ऑन हो जाएगा, तो हमारा ये वाला सिस्टम पे हमारा एक रनिंग वोल्टेज दिया जाता है। इस देखिए ये वाला जो हमारा चॉपर का चारों पॉइंट है, इस पे हमारा इनपुट होता है जो हमारा 300 वोल्ट, और हमारा चॉपर से कनेक्ट होके हमारा एसटीआर पे जाता है। और दो जो पिन रह गया है, एक ग्राउंड रह गया है और जो एक पिन रह गया है वो हमारा डायोड भाया करके एक रनिंग वोल्टेज देता है जो हमारा एसटीआर को रन करता है। ये तो हमारा स्टार्टिंग वोल्टेज हो गया है और ये हमारा रनिंग वोल्टेज। रनिंग वोल्टेज जब तक सही नहीं होगा तो हमारा आउटपुट जो वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज स्टैंड नहीं होगा। ये वोल्टेज क्यों स्टैंड नहीं होता है वो देख लेते हैं। दोस्तों एक तो चीज़ दिखा देता हूँ, जो हमारा पावर सेक्शन पे हमारा स्टार्टिंग वोल्टेज आता है कि नहीं। स्टार्टिंग वोल्टेज तो आ रहा है दोस्तों, नहीं तो हमारा ये वाला लैम्प ब्लिंकिंग नहीं होता। मैं फिर भी दिखा देता हूँ, मैं पावर दे चुका हूँ और पावर देने के बाद हमारा लैम्प ब्लिंकिंग करना शुरू हो गया है और पावर इंडिकेटर भी ब्लिंकिंग हो रहा है। दोस्तों उसके बाद दिखा देता हूँ हमारा जो पावर सेक्शन होता है, पावर सेक्शन पे हमारा मेन जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज को चेक कर लेते हैं, जो हमारा 300 वोल्ट तक हो सकता है। दोस्तों मैंने इस पर कनेक्ट कर दिया, देखिए हमारा 282, मतलब 300 वोल्ट तक आ चुका है हमारा जो फिल्टरिंग कैपेसिटर होता है। उसके बाद देखेंगे हमारा जो स्टार्टिंग वोल्टेज दिया गया है, वो स्टार्टिंग वोल्टेज कितना वोल्टेज पे हमारा एसटीआर को स्टार्ट करता है। देखिए मैंने कनेक्ट कर चुका हूँ ग्राउंड के साथ और ये रहा हमारा स्टार्टिंग वोल्टेज। स्टार्टिंग वोल्टेज देख सकते हैं 12 से 14 वोल्ट तक हमारा आ रहा है। और उसके बाद जो हमारा रनिंग वोल्टेज होता है वो रनिंग वोल्टेज को भी चेक कर लेंगे, जो हमारा एक रेजिस्टेंट भाया करके एक डायोड दिया गया है और डायोड पे हमारा इस वाला पॉइंट पे हमारा वोल्टेज होना चाहिए, वो वोल्टेज को देख लेते हैं। दोस्तों देखिए वही वोल्टेज हमारा 11, 13 ये वाला वोल्टेज अप डाउन कर रहा है, क्योंकि हमारा जो ये वोल्टेज हमारा स्टैंड नहीं है, इसीलिए हमारा आउटपुट जो वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज भी ब्लिंकिंग हो रहा है। क्यों नहीं ब्लिंकिंग हो रहा है, एक तो दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमारा ये स्टार्टिंग वोल्टेज हो गया है, ये रनिंग वोल्टेज हो गया है, लेकिन इसको स्टैंड करने के लिए और एक चीज़ ज़रूरी है, जो हमारा फोटोकपलर भाया करके हमारा फीडबैक सिस्टम आता है, जो हमारा 110 वोल्ट से दो रेजिस्टर लगा के, एक ट्रांजिस्टर लगा के हमारा
431 का जो ट्रांजिस्टर होता है वो ट्रांजिस्टर लगा के हमारा फोटो कपल भाया करके एक फीडबैक दिया जाता है। ये फीडबैक जब तक हमारा एसटीआर को नहीं मिलेगा, इस वाला पॉइंट पे देखिए, ये हमारा फीडबैक का पॉइंट है। और फीडबैक पे जो हमारा सही तरीके से फीडबैक नहीं आएगा, जो हमारा आउटपुट पॉइंट पे वोल्टेज बन रहा है, वो तब तक हमारा एसटीआर सही तरीके से वोल्टेज नहीं बन पाएगी। इसके लिए ही हमारा ये वाला प्रॉब्लम दे रहा है, जो हमारा वोल्टेज ब्लिंकिंग हो रहा है और हमारा एसटीआर के आउटपुट पे हमारा वोल्टेज नहीं बन रहा है सही तरीके से, वो हमारा फीडबैक सिस्टम से ही प्रॉब्लम दे रहा है। फीडबैक सिस्टम जब तक सही नहीं होगा तो हमारा एसटीआर हमारा सही तरीके से स्विचिंग नहीं कर पाएगा, और स्विचिंग नहीं कर पाने के कारण ही हमारा आउटपुट वोल्टेज नहीं बन रहा है। इसीलिए क्या करेंगे, एक एक चीज़ को चेक कर लेंगे। दोस्तों, हमारा जो फीडबैक सिस्टम, हमारा इनपुट और आउटपुट सेक्शन होता है वो वाला देखेंगे। इनपुट सेक्शन पे हमारा चेक करने का एक पॉसिबिलिटी होता है, जो हमारा दिखा देते हैं। पावर को फिर से ऑन कर लेते हैं और एक कोई चीज़ से भी आप लोग फोटो कपलर का जो हॉट सेक्शन होता है, हॉट सेक्शन को कनेक्ट कर देना। कनेक्ट कर देने से क्या होता है, हमारा लैम्प बंद हो जाएगा, और इसको ओपन कर देने से लैम्प फिर से ऑन हो जाएगा। देख सकते हैं, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ दोस्तों, इसको जब कनेक्ट कर देंगे तो हमारा लैम्प बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारा इनपुट सेक्शन का जो फीडबैक सिस्टम होता है, जो हमारा एसटीआर का फीडबैक सिस्टम होता है वो सही है, लेकिन आउटपुट का जो हमारा फीडबैक सिस्टम है वो शायद ख़राब हो चुका है। इसीलिए क्या करेंगे, ये फोटो कपलर ख़राब हो सकता है या हमारा ये वाला ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो सकता है। और हमारा जो 110 वोल्ट से जो दो रेजिस्टेंस लगा के जो वोल्टेज सप्लाई दिया जाता है वो वाला भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मैंने एसटीआर सेक्शन से शुरू किया था। मैंने क्या करूँगा, ये फोटो कपलर को देखेंगे, फोटो कपलर सेक्शन पे हमारा फोटो कपलर ख़राब हो सकता है। इसीलिए क्या करेंगे, फोटो कपलर को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद नया फोटो कपलर लगा के देखेंगे ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। दोस्तों, मैंने जो फोटो कपलर लगाया था, फोटो कपलर को मैंने ओपन कर चुका हूँ। इसका नंबर दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद नहीं दिखेगा, दिख रहा है जो हमारा 817 हमारा ये फोटो कपलर था। इसके बदले में मैं एक नया वाला फोटो कपलर लगा लूँगा, देख सकते हैं इसका सेम नंबर है जो 870C। ये वाला फोटो कपलर को कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद इसको सोल्डरिंग कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं हमारा जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हुआ कि नहीं। दोस्तों, जो पुराना वाला जो हमारा फोटो कपलर था उसको मैंने चेंज करके नया वाला फोटो कपलर कनेक्ट कर चुका हूँ, और कनेक्ट कर देने के बाद देखेंगे हमारा जो पावर सेक्शन का जो फीडबैक का प्रॉब्लम था वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। दोस्तों, मैंने टीवी को पावर दे दिया, और पावर देने के बाद देखते हैं क्या हमारा जो पावर इंडिकेटर है वो पावर इंडिकेटर जल के रह गया है, मतलब हमारा स्टैंड हो गया है। जो हमारा ब्लिंकिंग हो रहा था हमारा पावर इंडिकेटर, वो सही हो गया है। उसके बाद देखते हैं हमारा जो 100 वाट लैम्प लगाया था वो 100 वाट लैम्प भी हमारा ग्लो करना शुरू हो गया है, और जो ब्लिंकिंग हो रहा था वो ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। उसके बाद देखेंगे हमारा जो पावर सेक्शन का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज क्या आ रहा है। दोस्तों, ये हमारा वोल्टेज जो हमारा बी प्लस होके आता है वो वाला वोल्टेज हमारा आ रहा है। ये वाला पॉइंट पे हमारा आ रहा है 114 वोल्ट, और दूसरा नंबर पिन पे जो हमारा रेगुलेटर सिस्टम के लिए दिया गया है, और हमारा हॉरिजॉन्टल जो कॉयल होता है कॉयल को रन करने के लिए दिया गया है, वो वाला वोल्टेज देख लेते हैं 12.2। और तीसरा नंबर जो वोल्टेज दिया गया है वो हमारा साउंड सेक्शन के लिए दिया गया है, जो हमारा 17.8 आ रहा है। मतलब दोस्तों, हमारा पावर सेक्शन रिलेटेड जो वोल्टेज का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया है, और ब्लिंकिंग का जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया है। क्योंकि दोस्तों, हमारा एसटीआर लगाने के बाद जो हमारा पावर ब्लिंकिंग हो रहा था वो हमारा जो फीडबैक सिस्टम दिया गया है, और फीडबैक सिस्टम पे जो फोटो कपलर ऑक्टो कपलर जो भी कहा जाता है, ये ऑक्टो कपलर हमारा ख़राब हो चुका था। इसीलिए ही आगे वाला टेक्नीशियन इसको रिपेयर नहीं कर पाया और इसको मॉड्यूल लगा के छोड़ दिया था। मैंने क्या किया, स्टेयर लगाने के बाद इसको जब चेक किया तो हमारा जो फीडबैक है वो फीडबैक ख़राब निकला, और खराब फोटो कपलर को चेंज कर देने के बाद हमारा फीडबैक जब सही हो गया तो हमारा आउटपुट वोल्टेज भी सही हो गया है। मैं क्या करूँगा, इसको स्टैंड बाई से रिलीज कर देता हूँ। रिलीज करने के बाद हमारा जो टीवी है वो टीवी पे स्क्रीन पे पिक्चर भी आना चाहिए, देख लेते हैं हमारा पिक्चर आता है कि नहीं।
दोस्तों सॉरी, मेरा जो एसटीआर से जो आउट पावर सेक्शन से जो आउटपुट जो वोल्टेज था, जो हमारा ईएसटी को सप्लाई दिया जाता है, उसका जो रजिस्टर को मैंने खोल के रखा था, उसको कनेक्ट करना भूल गया था। इसको कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों मैंने ईएसटी को जो सप्लाई को मैंने ओपन कर लिया था, जो ईएसटी को सप्लाई मैंने ओपन करके इसको पावर सेक्शन से अलग कर दिया था, उसको मैंने कनेक्ट कर चुका हूँ। और कनेक्ट कर देने के बाद मैं टीवी को फिर से पावर दूंगा, और पावर देने के बाद देखते हैं हमारा जो पावर सेक्शन ऑन हो गया है। उसके बाद मैं स्टैंड बाय से रिलीज कर देता हूँ। रिलीज कर होने के बाद हमारा इंडिकेटर बंद हो जाता है, और बंद होने जाने के बाद हमारा टीवी पे स्क्रीन पे पिक्चर आना चाहिए। देखिए हमारा ए भी और ऑटो लिखा आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, चैनल को प्लस कर देता हूँ, तो हमारा टीवी पे स्नो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा टीवी भी स्टार्टिंग हो चुका है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था, वो वाला प्रॉब्लम हमारा पावर रिलेटेड था। हमारा पूरी तरह से पावर डेड होके आया था। मैंने जब देखा, इसको पावर मॉड्यूल लगाया हुआ था, और पावर मॉड्यूल को चेंज करने के बाद मैंने इसका ओरिजिनल एसटीआर कनेक्ट करने के बाद हमारा फीडबैक सिस्टम पे प्रॉब्लम दिखा, और फीडबैक सिस्टम को सही कर देने के बाद हमारा पावर सेक्शन रेडी हो गया है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम पूरी तरह से सही हो गया है। मतलब दोस्तों जो पावर सेक्शन रिलेटेड जो जो भी प्रॉब्लम होगा, तो हमारा चैनल को देख लेना, प्लेलिस्ट को ऑन कर लेना। ऐसे ऐसे नया नया हमारा पावर सेक्शन रिलेटेड फॉल्ट दिखेगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा, आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।